दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया और अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा आप सभी को मालूम है कि जो हमारा 101 का जो सब्सक्रिप्शन फीस था वो बंद हो चुका है, क्लोज हो चुका है। और ये जो हफ्ते भर का 10 दिन का एक हफ्ते का जो गैप हुआ है दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि पिछले बार लगभग 50 लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया था, 50 में से दोस्तों जो फेक लोग थे, जो फ्रॉड थे, जो मजे के लिए सिर्फ फोन कर रहे थे, संपर्क कर रहे थे, उनकी पहचान हो गई है। और इसलिए हमने इस बार जो दोस्तों कुछ नियम कायदा कानून टाइट रखे हैं और जो फीस है उसको भी हमने बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि इसके वजह से वही व्यक्ति सिर्फ संपर्क करेगा जो उसको जरूरत होगी, जो जेन्युइन वास्तविक रिश्ता खोजना चाहता है, जो शादी के लिए इच्छुक है, वही लोग सिर्फ मेरे पास फोन करेंगे, वही लोग मेरे पास मुझसे बात करेंगे जो इंटरेस्टेड, जिनको जिंदगी में वास्तव में लाइफ पार्टनर चाहिए, ना कि वो लोग जो 100-200 भेज के हाँ सर कोई भी रिश्ता दे दो, कैसा भी दे दो, कुछ भी चलेगा। इसमें क्या होना दोस्तों कि उनके चक्कर में कभी कभी आपके पास सही प्रोफाइल नहीं जा पाती। तो इसलिए मैं भाई आप सभी लोगों से, मुझे माफ कीजिएगा, आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूँ जिन लोगों को मेरी ये बात बुरी लगी हो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपका ही जो नियत थी वो खराब थी, आपका जो मकसद था वही गलत था, इसलिए मैंने आपसे अभी डिस्टेंस बनाने की, दूरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि जिससे बाकी सारे लोगों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना। और रही बात नया प्लान की दोस्तों, तो ये दोस्तों ये जो नया प्लान है दोस्तों, ये जो स्टार्ट होने वाला है ये बहुत ही जल्द 4 तारीख को मैं 95 लोगों के लिए प्रोफाइल लेकर आ रहा हूँ। ये 95 लोगों के लिए 95 प्रोफाइल के ऊपर काम करना जो है वो चालू है। आज जो है दोस्तों खत्म हो जाएगा क्योंकि कल 4 तारीख है। तो कल 4 तारीख को प्रोफाइल भेजने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा एक हफ्ते के लिए। तो 5 तारीख से जो नए लोग हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप में से जो लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, वो जो रजिस्ट्रेशन का फीस है वो पेमेंट कर दें, और पेमेंट करने के बाद उसका जो स्क्रीनशॉट है या जो फोटो है कोई एक मुझे प्रूफ के लिए उस मेरे ही व्हाट्सएप नंबर पे जरूर एक बार आप भेजिए। और उसके बाद आप अपना बायोडाटा आप लोग पूछते हैं भैया क्या भेजें बायोडाटा दोस्तों, क्या ना आधार कार्ड पैन कार्ड मत भेजो क्योंकि उसमें पूरी जानकारी नहीं रहती। आप लिख करके भेजिए, जैसे आपका नाम, उम्र, जात, धर्म, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, डिग्री, डिप्लोमा, कितना कमाते हैं, कौन सी शादी है, फर्स्ट सेकेंड एजुकेशन, पढ़ाई, ये सारी चीज़ें, आपको किस प्रकार की लड़की चाहिए, गरीब चाहिए, मिडिल चाहिए, पढ़ाई लिखी चाहिए, एजुकेटेड चाहिए, ये सारी चीज़ें आप उसमें अच्छे से बताइए अपने बायोडाटा में। अगर फिर भी आपको बताने में असुविधा हो रही तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी मेरी टीम आ गई, मेरी टीम में 3-4 लोग हैं। आप जब भी फ़ोन करेंगे, हो सकता है कोई भी रिसीव करे फ़ोन, तो आप अपना बायोडाटा वहाँ पे नोट करवा सकते हैं, अपनी जानकारी आप लिखवा सकते हैं, नोट करवा सकते हैं, फ़ोन पे ही नोट करवा सकते हैं, और पेमेंट भेज के आप अपने घर पे अपने काम धंधे में बिजी रहिए। देखिए मैं वापस आपको बता रहा हूँ हमारा प्रोसेस क्या है। जैसे आप अपना बायोडाटा और पेमेंट, जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपने घर पे बैठे अपने काम धंधे में बिजी रहिए। रजिस्ट्रेशन होने के दूसरे दिन से ही आपके प्रोफाइल पे हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आप जिस राज्य से, जिस उम्र के हैं, जिस कैटेगरी के हैं, जितना पढ़े लिखे हैं, उसके हिसाब से दूसरी प्रोफाइल हम आपके लिए क्या लिया के दे सकते हैं, कहाँ से लिया के दे सकते हैं, आपको लोकल चाहिए, बाहर का चाहिए, जाति बंधन है, घर जमा चाहिए, जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम फिर दूसरी प्रोफाइल खोजना चालू कर देते हैं। और इसमें खोजने में दोस्तों एक हफ्ते से लेकर 10 दिन का समय लग सकता है, एक हफ्ते से लेकर 10 दिन का या 2 हफ्ते का भी समय लग सकता है। लेकिन याद रखिएगा मैं वही आपको प्रोफाइल दूंगा जो जेन्युइन होगी, वास्तविक होगी, हकीकत होगी, जहाँ पे आपके साथ में किसी प्रकार का ना कोई फेक होगा, ना फ्रॉड होगा, ना धोखा होगा, ना आपसे कहीं पैसे की डिमांड की जाएगी। आप जो क्लाइंट है, जो लोग रिश्ता करना चाहते हैं, उनसे आप डायरेक्ट बात करेंगे। मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे उनकी डिटेल्स भेज दूंगा, सर ये नाम है, ये उम्र है, ये जात पता है, ये धर्म, एजुकेशन, पढ़ाई का, ये सारी चीज़ें हैं आपके पास भेज दूंगा। आपका दिल करेगा उस रिश्ते के लिए बात करना है, आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, अगर आपका दिल करता है उस रिश्ते के लिए बात करने का तो आप फ़ोन लगाइए, डायरेक्ट फ़ोन लगाइए, आप फ़ोन उठाइए, यस सर मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, और आपका मैंने ऐड देखा था, ऐड के माध्यम से आपने रिश्ता भेजा है, मैं उस रिश्ते के सिलसिले में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। तो बोलेगा व्यक्ति, हाँ भैया
ठीक है आप कहाँ रहते हैं क्या करते हैं, आप मुझे अपना बायोडाटा भेजिए। अगर बायोडाटा बोलता है भेजने के लिए तो आप उनको बायोडाटा भेज सकते हैं, अपना जान जो जो आपका बायोडाटा है वो आप भेज सकते हैं। उसके बाद वो आपको रिप्लाई करेंगे एक दो दिन में, हो सकता है आप अपनी फोटो भी भेजें, हो सकता है उस लड़की या उस महिला को आपका फोटो दिखाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि ये लड़का ऐसा ऐसा है, ये आदमी है ऐसा ऐसा है, क्या हमें इनके लिए हाँ कहना चाहिए ना कहना चाहिए, या कुछ आप अधूरी जानकारी रहेगी तो आपसे पूछेंगे। तो कहने का मतलब मेरा जो मैं आपको सर्विस दूंगा वो बिल्कुल जेन्युइन होगा, वास्तविक होगा। इसमें दोस्तों वाला सिस्टम नहीं है कि रुको मैं दो घंटे बाद या दो कल आपसे कॉन्फ्रेंस पे बात करूंगा और फिर उसके बाद फोटो और पैसा लूंगा फिर पूछा। हमारे यहाँ पे कॉन्फ्रेंस नहीं चलता भैया, मैं क्लियर बोल देता हूँ, मेरे यहाँ पे कॉन्फ्रेंस नहीं चलता। और लोगों की तरह अगर ठगी बेईमानी करना होता तो कॉन्फ्रेंस कोई बड़ी बात नहीं है, चार चार लोग यहाँ पे काम करते हैं, चार चार लोगों के पास दो दो फोन देता और बोलता आपको कि हाँ ठीक है सर कल से आपके बात करवाऊंगा, ये मैडम का नंबर, अब वो आपसे आधे घंटे बात करते फिर दूसरे दिन कहता है ये सर 5000 भेजो ना, आपको उसका बायोडाटा देता हूँ, नंबर देता हूँ पर्सनल, और फिर चार दिन बाद दो दिन बात करने के बाद फिर नंबर आपका ब्लैक लिस्ट में या इग्नोर करना चालू जैसा बाकी सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे भैया ऐसा नहीं है, आप कभी भी आना चाहते मेरे ऑफिस आना चाहते आके खुल के मिलो यार। अगर मैं गलत करूंगा तो मैं डर के रहूंगा, लेकिन अगर सही काम कर रहा हूँ ना तो क्या डरने की जरूरत है। अरे आप लोग इतना कहते हो रवि भैया मिलना है, मैं तो खुले दिल से कहता हूँ जिसको भी आना है, जिसको भी आके अपने रवि भाई से मिलना है बिंदास आके मिले। उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ में मैं रहता हूँ, इससे आगे की जो जानकारी है, जो व्यक्ति आना चाहता है, जो मेरी लोकेशन देखना चाहता है वो आके कभी भी देख सकता है, मुझसे संपर्क करें, फोन पे बात करें या मुझे मैसेज करें या मुझे मेल करें कि सर मैं वास्तव में आना चाहता हूँ, आप आगे की जानकारी देते हैं वो भी आपको दे दूंगा, आके मिलिए यार। मैं तो चाह रहा हूँ कि आप लोग आए, और मेरे जो पिताजी है ना वो इस चीज से लेके काफी उत्सुक है, उनको लग रहा है कि उनका बेटा कुछ अच्छा काम कर रहा है। और मैं सच बोलूँ ना, मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मेरा बाप का जो सिर है ना और जो सीना है वो गर्व से हमेशा ऊंचा रहे। मेरे बाप को मैं चाह रहा हूँ हमारे एरिया के सारे लोग जाने मैं ऐसा कुछ काम करूँ, और वो काम हो सकता है कि आपकी शादी के हिसाब से संभव हो, क्योंकि जब आप आएंगे, अगर आपने पूछा मेरे पिताजी का, मैं आपको नाम बताऊँगा, श्री राम नाम है, जब आप कहेंगे मुझे श्री राम के घर पे जाना है, उनका बेटा है जिसका नाम रवि कुमार, उनसे मिलने जाना है, तो जो लोग सुनेंगे उनको लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा, और जब ये बात मेरे पिताजी को मालूम पड़ेगी तो अंदर में आदमी खुश होगा। और मैं ये बात उन सभी भारत के देश के जो हमारे भाई बहन नागरिक हैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, जिंदगी में कुछ भी काम ऐसा करो लेकिन बाप का और माँ का जो सिर है ना कभी भी सर में से नीचे ना हो। पैसे कमाने के लालच में कोई भी ऐसा काम मत करना कि उनका सिर जो कभी सिर से नीचे हो। दोस्तों ऐसा कोई भी काम करो जिससे माँ बाप खुश हो, राजी हो, उनका सिर हमेशा आपके ऊपर प्राउड हो यार। कुछ ऐसा करो, चोरी बेईमानी मत करो, फ्रॉड मत करो, ये जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम मत करो। कम पैसे कमाओ चलेगा, ईमानदारी से कमाओ चलेगा, मेहनत करके कमाओ चलेगा, लेकिन जो सर में ना माँ बाप का वो कभी नीचे नहीं होना चाहिए। उनको आपके ऊपर प्राउड होना चाहिए, घमंड होना चाहिए, ना कि बदनामी और बेइज्जती का आरोप होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप क्या मालूम है, मैं भी कभी कभी ना अपने टॉपिक से चेंज हो जाता हूँ, बाद में पता नहीं कौन से टॉपिक पे कर रहा था, अभी देखो मैं कौन से टॉपिक पे चला गया मुझे खुद भी नहीं मालूम है। अच्छा नया ऑफर, हाँ तो नया ऑफर आपको 5 तारीख को मालूम पड़ेगा, उसके अंतर्गत आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बायोडाटा भेज सकते हैं, हफ्ते 10 दिन का आप समय दीजिएगा, आपके लिए मैं रिश्ता खोज के लेकर आऊँगा। यही फाइनली आपसे कहना चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी ना लगा होता और वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे यदि आप फर्स्ट टाइम है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी सेट कर रख लीजिए। घर में छोटे बच्चे हों, माँ बाप हो, बूढ़े हों या दोस्त यार फैमिली मेम्बर्स हो ना, तो ये बात जो मैंने कहा हूँ कि माँ बाप का सिर कभी शर्म से नीचे नहीं होना चाहिए, बेटे को कुछ ऐसा, बेटे या बेटी, मैं बेटा और बेटी में मैं कोई कंपेयर नहीं, तुलना नहीं करना चाहता हूँ और ना कभी करूँगा। मेरी भी 4 बहनें हैं, मैं कभी भी उनको अपने से कम या लड़का या लड़की में डिफरेंस नहीं समझता हूँ, मैं उनको समझता हूँ कि जैसे लड़के हो तो वैसा सेम टू सेम लड़की भी होती हूँ। मैं सब उनको बोलता हूँ आप वो सब कार्य काम करो, वो सब कुछ आप भी पढ़ाई लिखाई जो भी करना करो, लड़का लड़की कोई मायने नहीं होता यार, कोई डिफरेंस नहीं होता, ये तो हमारी थॉट्स हमारे जो विचार है वो
डिसाइड करते हैं कौन बड़ा कौन छोटा है। इसलिए कहता हूँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, जिंदगी में ऐसा काम जरूर करना जिससे माँ बाप का नाम जरूर रोशन हो, सिर ऊंचा। इसलिए आप इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत सीमित रखो, अपने बच्चों को, अपने घर परिवार, अपने फैमिली मेंबर्स को दिखाओ। हो सकता है कि आपका बच्चा, आपका बेटी, आपका जान पहचान की किसी की वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे और ये मोटिवेशन मिले उनको जिंदगी में एक अच्छा और नेक काम करना। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट है, कोई बात है तो रवि भाई का नंबर 9137814012 नाम रवि कुमार, मैं एक यूट्यूबर बात करता हूँ, कोई ब्रोकर या मैरिज ब्रोकर, कोई दलाल नहीं हूँ। आप फोन लगाइए, मुझसे बात कीजिए, अपनी समस्या बताइए, हम जहाँ तक है संभव कोशिश करेंगे आपको समस्या का समाधान करने में। बाय द वे, आपका फोन नहीं रिसीव करता हूँ तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं, जब भी समय मिलेगा तो आपके मैसेज का मैं रिप्लाई दे दूंगा। और वहां पे भी अगर बात नहीं बनती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वहां पे आप बता सकते हैं अपनी समस्या को। वहां भी बात नहीं बनती तो आप मुझे फेसबुक पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहां पे भी बात नहीं बनती है तो मेरा एक दूसरा चैनल है फैक्ट रवि, आप वहां पे जाइए, वहां पे उस चैनल को फॉलो कीजिए, वहां पे उस वीडियो के अंदर भी आप जाके कमेंट कर सकते हैं। इतनी सारी सुविधा दे रहा हूँ और क्या चाहिए आपको। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आए।